नमस्कार सत्याकाल वड़कम खंबा गणी राम राम साहब सभी को ऑडिट मीडिया में फिर से स्वागत है हमारे साथ फिर से जुड़े हैं राजीव मल्होत्रा सर uh, सर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जितने राष्ट्रवादी हैं सब सर को प्रेस करते हैं सबको जानते हैं बट स्टिल फॉर माई न्यू ऑडियंस फॉर द न्यू पीपल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सर सर हैज रिटन टू बुक्स

It has got 822 pages, 23 chapters, appendices of hundreds of uh, that runs into hundreds pages, thousands of references. Uske uh, Alawa, sir, is Uske Alawa. That that was, you know, a big part, but going back. Sir is a trained physicist. He's a computer scientist, he is a researcher on index studies and civilizational studies. He is also found uh, founder of Infinity Foundation. Sir ki book. Uh, snakes in ganga has been one of my favorite and i've been quoting in all my episodes wherever the terms have come like you know uh, weaponizing victimhood and things like that those terms have become actually very uh, very catchy and very nice to use because they are they express certain emotions which we're not able to express in in like you would say long sentences sir a very warm welcome on the show thank you very much and namaste to all all your viewers i'm happy to be back thank you sir सर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद वन ऑफ येरी एक्सपर्ट एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक डीप वेब आजकल सब लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बट मैं सबसे पहले ये बोलूँगी इसको इंटेलिजेंस से बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये इंटेलिजेंस इसकी इतनी है कि एक टाइम पर मशीन्स हमें टेक ओवर कर लेंगी हमारे कॉन्शियसनेस को टेक ओवर कर लेंगी डू दे हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जी सर तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस को समझना चाहिए हम समझते हैं कि जो जीवित है वो ही इंटेलिजेंट हो सकता है तो जो जड़ है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती तो मशीन कैसे इंटेलिजेंट होगी लेकिन यहाँ पर जो वर्ड इंटेलिजेंट यूज किया जा रहा है उसका मतलब है कि बाहर का बिहेवियर जो उसका बाहर का वातावरण है वो इंटेलिजेंट इंसान की जैसे है चाहे वो खुद उसमें जान हो ना हो जान तो नहीं है उसमें चाहे खुद वो अपने आप को पहचान भी सके वो भी नहीं कर सकता लेकिन वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे दूसरा समझेगा कि इंटेलिजेंट है तो दूसरे के लिए इंटेलिजेंट है अपने 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 के लिए इंटेलिजेंट नहीं है दूसरे के लिए इंटेलिजेंट है जैसे गा, गाड़ी है जो खुद चलाती है एयरप्लेन भी ऐसे लैंड करते हैं अपने आप ही आजकल ड्रोन्स तो कहाँ कहाँ हजारों मील चलते हैं एक जगह जहां उनको कहा गया वहीं जाके मॉम ड्रॉप करके वापिस आते हैं फोटो फोटो भी ले आते हैं पहचान सकते हैं कि कितने ट्रक्स हैं कितने ये 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 टैंक्स हैं और एक टैंक के ऊपर ही लगानी है और वो भी टैंक जो दुश्मन का है उसी के ऊपर बॉम्ब लगाना है ये इतनी जो चीज़ें कर सकते हैं ये इंटेलिजेंट की निशानी इंटेलिजेंस की निशानी है तो उनमें इंटेलिजेंस का बिहेवियर है फायदा ये है कि वो इंटेलिजेंट काम जो इंसान करता है उसको रिप्लेस करके मशीन कर सकती है और मशीन एक बार मशीन सीख जाए जो इंसान का इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो मशीन कर ले तो मशीन और भी अच्छा कर सकती है क्योंकि मशीन थकती नहीं बीमार नहीं होती मशीन आप एक रोबोट को सिपाही बना दो तो, सोल्जर बना दो कि वो कैसे लड़ाई वड़ाई करे कैसे वो ऑटोमेटिक राइफल्स चलाए अलग अलग तरह के वेपन्स चलाए एक बार आपको आप सोल्जर रोबोटिक सोल्जर बना दें, अब ये बन रहा है यूएस पेंटागन भी बना रही है चाइना भी बना रही है एक बार आपके पास रोबोटिक सोल्जर बन जाए एक तो आप लाखों बना सकोगे क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी प्राइस कम हो जाएगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर कर सकोगे दूसरा ये आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि वो मर गया तो मर गया ठीक है मशीन ही है तीसरा वो ज्यादा उसमें ज्यादा उसमें स्टेमिना ज्यादा है ज्यादा घंटे काम कर सकता है उसको लेकिन एक मैं चीज कहना चाहता हूं चाहे वो खुद कॉन्शियस ना हो लेकिन वो हमारी कॉन्शियस के ऊपर वो असर कर सकता है मतलब हम हमारे को वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है हमको कंफ्यूज कर सकता है तो ये सारा कुछ जो वो प्रोपेगेंडा है इमोशनल हाईजैकिंग जिसको हमने कहा है इमोशनल हाईजैकिंग वो करता है तो एक पॉइंट ये दो पॉइंट मैंने बोले एक तो पॉइंट ये है कि जो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान की इंटेलिजेंस है उसको उसके बराबर वो काम कर सकता है उसी तरह से चाहे खुद वो उसमें कॉन्शियसनेस हो ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि वो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी पहचानता है सारे ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी अलग अलग आपकी अलग है मेरी अलग है आप किस तरह को आपको कैसे कन्विंस करना है कि ये काम ये खरीदो वो अलग है मेरे को कैसे कन्विंस करना है वो अलग है तो हर एक को जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट हो कोई आपके घर में आपका रिश्तेदार हो जो आपको अच्छी तरह से जानता है वो कैसे आपको कन्विंस करेगा उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है वो आपको कन्विंस कर सकती है और सारे वर्ल्ड में जितने भी लोगों को अलग अलग, अलग कर सकती है क्योंकि उसने सारे लोगों का अलग अलग, अलग प्रोफाइल बना रखा है पहचान कर अलग अलग, अलग, अलग प्रोफाइल बना रखे इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत फायदा भी है और वो खतरनाक भी है दोनों अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक बुक निकाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर वो तीन साल पहले निकली थी इंडिया में अवेलेबल है सब जगह अवेलेबल है किंडल भी अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर फाइव बैटल ग्राउंड पाँच जो उसके इंपैक्ट हैं कोई जॉब्स का इम्पैक्ट है कोई मिलिट्री के ऊपर इम्पैक्ट है कोई जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट है कोई अपनी ह्यूमन बीच की जो कॉन्शियसनेस है इमोशनल इम्पैक्ट है इस तरह के फाइव बैटल ग्राउंड के बारे में बात की है सोशल मीडिया एक तरह की अथॉरिटी बन गई आपकी लाइफ में और वो अथॉरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है so इसी तरह प्रकार से आपके आपको साइकोलॉजिकली इमोशनली ये मशीनें कंट्रोल कर रही हैं और इसके साथ आपके जो बिहेवियर है क्या फैशन है क्या आप बिलीव करेंगे क्या पॉपुलर आइडिया है कैसे बोलना चाहिए कैसे आपका एक्सेंट होना चाहिए क्या किस प्रकार के आप जगह जाएं क्या प्रोडक्ट लें क्या फैशन है क्या क्या ब्रांड नेम है ये सारे वो आपको सिखाते जा रहे हैं और इसीलिए तो वो पैसा बना रहे हैं क्योंकि वो आपको बेच सकते हैं जो भी चाहे वो बेच सकते हैं और जो वो ब्रांड है वो उनको कमीशन देगा आपके लिए तो सब कुछ मुफ्त है ईमेल भी मुफ्त है सर्च भी मुफ्त है ये ट्विटर भी मुफ्त है यूट्यूब भी मुफ्त है लेकिन जो उसके मालिक हैं वो तो सबसे दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं कैसे बन गए अमीर आपको मुफ्त में चीजें दे देकर कैसे बन गए अमीर वो ऐसे बन गए कि आपको वो ब्रेन वॉश करके बेच सकती हैं कि ये चीज खरीदो यहाँ छुट्टी के लिए जाओ ये करो वो करो और वो जो ब्रांड है उन, वो उनको कमीशन देते हैं तो इसलिए उनका आपके मन के ऊपर बहुत ही पावर है सर और ये जो पावर है ये वो किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं राइट करा सकते हैं ये एल्गोरिथम ने हांगकांग ने राइट कराए मिडिल ईस्ट में लेबनान में राइट कराए जो दिल्ली के राइट थे सीएके और ये 370 के और फार्मर और वार्मर इन सब में सोशल मीडिया का हाथ हाथ था और सोशल मीडिया जो आपको बोल रहा है वो उनके मुताबिक सच है वो चाहते हैं वो सच्चाई उनके मुताबिक उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक वही सच्चाई आपको आपके ऊपर थोप रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी पॉपुलर हूं मैं भी सोशल मीडिया में हूं अब मेरे ज्यादा लाइक्स हों मेरे फ्रेंड्स हैं उनके कितने लाइक्स हैं तो इसलिए आप उसमें फंस जाते हैं और उस जाल में आप फंस जाते हैं और इसीलिए वो उनका आपके ऊपर बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है है पावर आपकी तो सर देखा जाए तो ये हमें मेंटली कहीं कहीं ना कंट्रोल करते करते एक जगह से दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना जैसा अभी आपने कहा राइड करवा सकते हैं ये लोगों को बरगला सकते हैं आई I मीन mean, वॉयलेंस तो बहुत छोटी सी चीज है पर जिस तरीके से अभी वोकिज्म चल रहा है 72 जेंडर्स का मतलब मुझे ये समझ में आता था थ्री जेंडर्स हैं मेल फीमेल एंड द ट्रांसजेंडर अब 72 जेंडर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है तो दिस इज बिकमिंग एक अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन आर दी अनलॉकिंग इट और आर दे व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू क्योंकि दिमाग so, अभी सो so, बात ये है बात ये है कि अल्टीमेट गोल तो उनका है मटेरियल प्रॉफिट मटेरियल प्रॉफिट पैसा और पैसा के लिए जो उनको ब्रांड आता है वो ब्रांड कहता है कि मेरी एक कोका कोला बेच दो या मेरी एक पर्टिकुलर शर्ट बेच दो जूता बेच दो हॉलीडे बेच दो तो सारी एडवर्टाइजिंग अब सोशल मीडिया में जा रही है और सोशल मीडिया चलाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको मालूम है कि कौन किस क्या बजट है और कहां पर छुट्टी जाना चाहता है तो उसके लिए गोवा की ये वाली छुट्टी दे दो बता दो उसको और वहीं भेजेंगे और क्योंकि उसका इफेक्ट होता है वो मेजर करते हैं मेजर करते हैं कि कितने क्लिक्स मिले ये गोवा के हॉलीडे को कितने क्लिक्स मिले और उस क्लिक्स के अनुसार उनको कमीशन मिलती है सो so, इसलिए जो भी मार्केटिंग हो रही है वर्ल्ड में सारी वर्ल्ड में जो मार्केटिंग हो रही है वो सोशल मीडिया से जा रही है ज्यादातर और सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम है वो इसलिए सक्सेसफुल है कि वो आपको पहचानते हैं आपकी साइकोलॉजी को पहचानते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते आपको गलत चीज बताएंगे तो वेस्ट है ना तो फिर तो आप क्लिक नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा और जो आपकी थिंकिंग है वो भी मोल्ड हो रही है ज्यादा धीरे धीरे वो चेंज होती जा रही है ये बात है तो ये उनका मोटिव तो बिल्कुल प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट कंपनी है कोई वैसे आप आपको कोई सहायता देने के लिए थोड़ा है वो दान थोड़ा दे रही है आपको वो तो आप वो आपके साथ आपको पकड़ के कंपनी से ब्रांड से प्रॉफिट बना रही है उनका तो यही काम है और कोई भी उनको हायर कर सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर कर सकती है कोई रिलीजन वाली आइडियोलॉजी उनको हायर कर सकती है फिर उनके फिर उनके जो मालिक हैं वो सोचेंगे इसको 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 हम नहीं इसके इसके लिए हम काम नहीं करेंगे ये तो गलत आदमी है ये ठीक आदमी इसके लिए काम करेंगे इसका मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मालिक हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन है आजकल और चाइनीज भी हैं चाइनीज और अमेरिकन दोनों इसमें लगे हुए हैं वो फैसला करेंगे कि, कि किस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं किस चीज़ को हम नहीं प्रमोट करना चाहते किसके लिए प्रमोट करेंगे कितना पैसा उससे लेंगे मतलब वो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे इसलिए हमने कहा कि यह कॉलोनाइजेशन दोबारा आ रही है देखिए यह मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने वाला हूं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में पहले हुआ फिर फ्रांस में हुआ बाकी वर्ल्ड में नहीं था दो ढाई साल दो साल साल पहले वो मतलब कि जो फैक्ट्रियां थी वो अब बिजली से चलनी शुरू हुई ये उन्होंने बिजली से सारी मशीनें चलानी शुरू की उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं उसके द्वारा वो जो फैक्ट्रीज थी उनका इतना पावर होगी इतना प्रॉफिट हो गया कि इंग्लैंड बहुत ग्रेट पावर बन गई तभी वो कॉलोनाइज करी सारी वर्ल्ड को उसके द्वारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता तो सब लोग मानते हैं तो फिर इंग्लैंड का इतना पावर नहीं होनी थी इंग्लैंड की इतनी पावर नहीं होनी थी और इतने सारे कॉलोनीज नहीं होनी थी तो क्योंकि उन, उनके पास ये नई टेक्नोलॉजी आई जो बाकियों के पास नहीं थी इसीलिए उनकी पावर बढ़ी अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जैसे 200 साल पहले बिजली का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था आज अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है अब इससे भी अमेरिका और चाइना जैसे पहले जमाने में ब्रिटेन और फ्रांस बने थे कॉलोनाइजर जो कॉलोनाइज कॉलोनीज बना रहे थे जिनके एंपायर बन गए अब ये अमेरिकन एम्पायर बन रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ और चाइनीज एम्पायर बन रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ अब आप देखेंगे 2030 तक अगले सालों में सारी वर्ल्ड कुछ अमेरिका के साइड में होगी कुछ चाइना के साइड में होगी और इनकी जो, इनकी जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे वेपन होंगे ऐसे वेपन होंगे कि दूसरे वेपन उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे उनकी इंडस्ट्री इतनी तेज होगी उनके मुताबिक ही सारा कुछ जॉब्स वॉब मेडिकल इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री फैक्ट्रिया फ्लाना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा कुछ चलेगा जिनके पास ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है समझे वो इंडस्ट्रियल पावर बनेगी जिनके पास कम है वो गुलाम बन जाएंगे तो इसीलिए अब अफ्रीका में ये डर है कि अफ्रीका में काफी जहां आप रहते हैं वो कॉलोनाइज हो जाएंगे कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कॉलोनाइज हो जाएंगे टॉप कंट्री तो दो ही हैं दो ही रहेंगे अमेरिका और चाइना फिर मिडिल में होंगे इंडिया है फ्रांस है इंग्लैंड है रशिया है जापान है है ऐसे कुछ कुछ सऊदी अरेबिया भी उसमें होना चाहता है। जिनके पास काफी टेक्नोलॉजी होगी लेकिन अमेरिका और का नहीं होगा टेक्नोलॉजी तो हो है, जिनके पास कुछ अपनी है नहीं, की, वो पीछे रह जाएंगे अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पहले कॉलोनियल सिस्टम था वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान बनेगा

आप हार्ड पावर में कमजोर हो तो गुलाम बन जाओगे और जो आपकी सॉफ्ट पावर थी वो भी छीन लेंगे अब ये अमेरिका वाले कर रहे हैं अब आप बहुत खुश हैं कि हमारा सुंदरपुर छाई बैठा हुआ है लेकिन गुलाम उन, उनकी गुलामी कर रहे हैं ना भारत के लिए तो नहीं टेक्नोलॉजी निकाल रहा जो टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं वो तो उनकी है ना मालिक तो वही है ना चाहे उसको चाहे उसको करोड़ों रुपए मिल जाए वो तो उसके लिए पर्सनल है उसके लिए अच्छा है उसकी फैमिली के लिए अच्छा है भारत के लिए क्या फायदा भारत के लिए क्या फायदा कि वो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन यहां का चेयरमैन वहां नासा में ये वो वो जो लोग बैठे हैं वो अपने लिए उनका तो फायदा है घर पैसा भी भेजते हैं इंडिया में तो इंडिया को भी कुछ पैसा मिल जाता है वो भी अच्छा है लेकिन जो वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं जो पैटर्न बना रहे हैं वो तो यूएसए की हुई ना तो फिर ये आपको समझना चाहिए कि ये जो नई चीज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके साथ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा

हर एक कंट्री में कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आगे बढ़ेंगे और अमीर बनेंगे और पैसा लेंगे और कई लोग नौकरी भी उनकी, चले जाएगी, उनकी फैक्ट्रिया बंद हो जाएंगी तो तरीके से बनेगा। तो लोग और गरीब बन लोग और अमीर बनेंगे जो जॉब्स जो, जो, जो हैं कुछ जॉब मरेंगे भी बहुत सारी और कुछ नई जॉब पैदा भी होंगी इसी में इसीलिए आई जो है ना राजीव चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ आई आज उन्होंने बहुत बेवाकूफी का ट्वीट निकाला है वो कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि विल बी लॉस्ट ये बिल्कुल बकवास है ये बिल्कुल यूजलेस बा, बात उन्होंने कही सारी वर्ल्ड में ये डिस्कशन हो रहा है डिबेट हो रहा है लेबर वाले ए, 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 इंडस्ट्री वाले पॉलिटिक्स वाले मीडिया वाले डिबेट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या नुकसान हो सकता है क्या क्या फायदा हो सकता है किसको फायदा हो सकता है किसको नुकसान होता है ये तो वो डिबेट की बात है इंडिया में अब ये जो मिनिस्टर है उसको तो उसका तो फर्ज है कि जाके डिबेट करवाए ताकि लोगों को जागृति हो या ये नहीं कि वो बकवास है बात ना करो ऐसे लोगों को कहना कि वो जो लोग जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर के बारे में शक करते हैं और कहते हैं कि जॉब चले जाएंगी वो बकवास बोल रहे हैं ऐसा ऐसी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए मिनिस्टर को ये तो बिल्कुल बदतमीजी है मिनिस्टर की उसको करना चाहिए उसको कहना चाहिए कि देखिए कुछ जॉब्स बढ़ेंगी और कुछ जॉब चले जाएंगी अब हमको डिस्कस करना चाहिए हर एक स्टेट में क्या क्या इंडस्ट्री है क्या असर होगा किसी स्टेट में फायदा होगा शायद बेंगलोर में ज्यादा बढ़ेंगी हो सकता है हो भी हो सकता है कि बिहार में उड़ीसा में जॉब चले जाएंगी क्योंकि वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उनके वो जो पुराने तरीके का आधा सिस्टम है वो नहीं चलेगा जो पुराने सिस्टम है फैक्ट्रियों का नौकरियों का वो चले जाएंगी ठीक है ना जब टेक्नोलॉजी बदलती है कई लोग फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनको न, उनको जानकारी है और कई लोगों का नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं उनके पास कैपिटल नहीं नो हाव नहीं वो, वो नहीं कर सकते तो हमको ये हमदर्दी होनी चाहिए हमको अपने भारतीय लोगों के बारे में हमको मिनिस्टर जो है उसको हमदर्दी होनी चाहिए कि अरे भारतीयों कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है हम उनके बारे में सोच रहे हैं हम उनके बारे में कुछ उनको करेंगे उनके लिए करेंगे कुछ जरूर गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए उसको रिस्पांसिबल होना चाहिए उसको मेच्योरिटी होनी चाहिए उसको ये नहीं कहना चाहिए पूरा सच ये है पूरा झूठ वो है ऐसे नहीं कहना चाहिए कहना चाहिए कि जो आ, जो लोग कह रहे हैं कि जॉब्स विल बी गॉन जॉब्स खत्म होंगी वो भी ठीक कह रहे हैं कई कई जॉब्स खत्म होंगी हो रही हैं लेकिन नई नई जॉब्स भी आएंगी अब दोनों को हमको कंपेयर करना है कि ज्यादा जॉब बढ़ेंगी या ज्यादा जॉब खत्म होंगी किस इलाके में क्या होगा किस और इलाके में कुछ और होगा किस इंडस्ट्री में ये होगा किस और इंडस्ट्री में वो होगा ऐसे कहना चाहिए जी, जी। अब देखिए अब देखिए जब इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन शुरू किया मैनचेस्टर में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई इंडिया में जो टेक्सटाइल थी वो खत्म हो गई ठीक है ना तो कई लोगों का कहना था कि जो नई जॉब्स बढ़ेंगी ठीक है नई जॉब्स बढ़ी वो बढ़ी में और जो लोग कह रहे थे अब जॉब्स खत्म होंगी वो भी ठीक कह रहे थे इंडिया में खत्म होगी अब इंडिया में खत्म होगी मैनचेस्टर में शुरू होगी तो प्रॉब्लम तो हुआ ना प्रॉब्लम तो हुआ और इंडिया में भी किसी ने अंग्रेजों के साथ लाइसेंस लेकर दोस्ती करके उसने अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू की तो वो कई लोग थे जो कर सकते थे ठीक है ना अब टाटा इसीलिए तो बड़ा बना क्योंकि वो उनकी अंग्रेजों के साथ दोस्ती थी जमशेद जी टाटा की अंग्रेजों के साथ दोस्ती थी और वो उन्होंने कोराव कर दिया कि आप स्टील मिल बना दो हां तो नए तरीके से और जो पहले जमाने के इंडिया में स्टील बनते थे अंग्रेजों के तो हजारों साल पहले इंडिया ने सबसे वर्ल्ड में हाई क्वालिटी स्टील इंडिया में शुरू हुई थी वो अंग्रेजों ने बंद करवा दी ताकि उनकी स्टील फैक्ट्रियां चलें। इंडिया में सारी वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी टेक्सटाइल होती थी वो अंग्रेजों ने बंद करवा दी ताकि उनकी चले अब ये नहीं कोई कह सकता कि उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिर्फ फायदा ही हुआ था उनको फायदा हुआ था वो तो सारे दुनिया के मालिक बन गए हम गुलाम बन गए हमारा तो नुकसान हुआ था ना तो अब ये सोचना चाहिए ये जो समझदार मिनिस्टर होगा वो सोचेगा ऐसी बातें जो बेवाकूफ मिनिस्टर होगा वो ऐसे बोल कहेगा कि मत बोलो बकवास है बोलो ना मतलब बोलो ही ना अरे भैया बोलेंगे नहीं तो डिबेट कैसे होगी जागृति कैसे होगी ठीक बात है ना मतलब ये मिनिस्टर ये मिनिस्टर बहुत इनसिक्योर है ये बड़ा इनसिक्योर है साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है ये करोड़पति है, है है, इसके पास बहुत पैसा है। में, में बहुत पैसा इसने आईटी में में टेक्नोलॉजी कुछ बनाया, इंजीनियर लेकिन ऐसे के वो पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर पाया, ये हमको इसमें हम, सो हैज लेबर पीपल हर एक स्टेट के लोगों को जागृति होनी चाहिए कि आप हर एक स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एक विंग होना चाहिए हर एक स्टेट में हर एक इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का एक को होना चाहिए सेल या ग्रुप होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट होने वाला है ये सब कुछ फैलाना चाहिए ये नहीं कि जो बोल रहे हैं वो बिकवास कर रहे हैं बंद कर लो ऐसे जो मिनिस्टर ने बोला बहुत इरिस्पॉन्सिबल है जी सिर्फ मैं वापस आना चाहूंगी क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करें ये सिर्फ कुछ एक इंडिविजुअल्स के हाथ में है मार्क जकब फेसबुक इलॉन मस्क ट्विटर सो इन लोगों के हाथ में कंट्रोल है डेमोक्रेसीज कि तरीके से बैन कर दिया था डीप वेब का सहारा लिया था इजिप्ट में और स्प्रिंग uh, रिपेलियन uh, के लिए इस तरीके से अक्रॉस वर्ल्ड बहुत सारे एक्साम्पल्स हैं सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीज आमिंग इलेक्शन बहुत की कि कुछ तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जैसे यूएस गवर्नमेंट भी पेंटेगन में है बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च चाइनीज गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करिए चाइनीज गवर्नमेंट बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर नंबर यूएस और चाइना कंपीट कर रहे हैं लेकिन काफी सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं पर आपको यह याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी थी जैसे गूगल है जैसे फेसबुक है जैसे ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं ना ये तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉलोनाइजर बन गई वो एक प्राइवेट कंपनी वर्ल्ड की कॉलोनाइजर बन गई देखिए वर्ल्ड का वर्ल्ड के ऊपर जो जो बाकी बाकी लोग गुलाम बन गए उसके मालिक गवर्नमेंट नहीं थी राजा नहीं था इंग्लैंड का लेकिन प्राइवेट कंपनी थी ये भी बात अच्छी है इंटरेस्टिंग है ना बात तो इसका मतलब ये फिर दोबारा हो सकता है ऐसे भी तो ये ये जो अब इलेक्शन लड़ेंगे इलेक्शंस में इंटरफियरेंस तो हो रही है ऑलरेडी हो रही है ये जो प्रोपिगेंडा हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट मोदी के अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बीबीसी का बीबीसी तो फंसी बीबीसी में खूब सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस फंसे हुए हैं और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो रोल है बहुत बड़ा रोल है अभी लोग कहते हैं ये जॉर्ज सोरस कर रहा है ऐसे वैसे कर रहा है वो तो ठीक है वो तो कर ही रहा है लेकिन वो कैसे कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना वो नहीं कर पाता आजकल जो पुराने जमाने का एनजीओ था देखिए जो पुराने जमाने का एनजीओ था वो तो गांव के में जो लोग गरीब थे जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए वो उन्होंने एन बनाए थे मिशनरी भेजते थे माओस्ट भेजते थे लेकिन जो दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे शहरों में जो पढ़े लिखे लोग बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट के टॉप लोग हैं और जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर तो ये मिशनरी नहीं चेंज अपनी आइडियोलॉजी पर असर नहीं कर सकते थे तो वो तो पहले ब्रेकिंग इंडिया वन अब ब्रेकिंग इंडिया टू पॉइंट है जो स्नेक द गंगा में हमने लिखा है उसमें है कि ये जो लायक लोग हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश के द्वारा आगे बढ़ गए हैं मॉडर्न अपने आप को समझते हैं वेस्टर्नाइज हो गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक अब नई समस्या शुरू हुई है जो है वोकिज्म उसके बारे में भी एक बार कभी बात करेंगे तो सर नॉट ओनली दैट नॉट ओनली ये लोग इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग द पीपल हाँ. आप क्या खा रहे हैं आप क्या सो रहे हैं आप कब उठ रहे हैं कब बैठ रहे हैं प्राइवेसी चली गई है जिसका सबसे बड़ा डिंडोरा वेस्ट फीडता है सर जी सर तो ये है आजकल के जो बच्चे हैं ना जो पंद्रह साल और कम की एज है हमने उनसे कई लोगों की बात की है कि आपको डर नहीं कि आपकी सर्वेलेंस हो रही है ये जो वीडियो कैमरा है जब आप देख रहे हैं वो भी आपको देख रहा है आप कुछ वीडियो पर कुछ देख रहे हैं लेकिन वो वीडियो आपको भी देख रहा है हाँ आपकी प्राइवेसी जा रही है वो सारा मैप कर रहा है नक्शा बना रहा है आपकी लाइफ का आगे क्या है आपका क्या, क्या करते हैं कौन आपके दोस्त हैं क्या आपकी हॉबीज हैं कब कि क्या किस चीज पर आपको डर है किस चीज़ का शौक है कितने पैसे हैं कहाँ गए पैसे सारा कुछ उनके पास मालूम है जिसका आपको डर नहीं है वो वो डरते भी नहीं आजकल के क्योंकि उनको एक नशा ऐसा दे दिया गया है जैसे जो ड्रग एडिक्ट होता है वो ड्रग से डरता नहीं है वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक है यार मौज है मेरी मैं तो मैं तो बहुत ही खुश हूं आपको क्या प्रॉब्लम है तो आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसे एडिक्ट बन गए सोशल मीडिया के एडिक्ट बन गए हैं कि उनको डर ही नहीं लगता कि ये तो प्राइवेसी जा रही है वो तो कह रहे हैं ठीक है यार मुझे बच्चे कहते हैं कि यदि ये सोशल मीडिया मेरे को पहचाने और मुझे बता दे क्या खरीदना है मैं खरीद लूंगा मुझे मेरे को, मेरे को को काम करने की जरूरत भी नहीं और उसको पता है मेरे मेरी सेहत के लिए क्या न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए वो मेरे को वही खाना देगा मैं ले लूंगा उसको पता है मेरी शौक क्या है मैं कहाँ छुट्टी के लिए जाऊँ हॉलीडे के लिए जाऊं तो वहां चले जाऊंगा इसका मतलब मेरे को सोचने की जरूरत नहीं मेरे जो मेरा जो दिमाग है जिसको फ्री विल कहते हैं वो चलाने की जरूरत ही नहीं अब वो गूगल चलाएगा मेरा दिमाग गूगल मेरा दिमाग बन गया मतलब मैंने गूगल को आउटसोर्स कर दिया अपना दिमाग इसको हम अपनी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर बुक है ना इसको हम कहते हैं ऑटो पायलट मतलब अपने आप को हम ऑटो पायलट में चल रहे हैं और इसको हम कहते हैं मोरनाइजेशन मोरन moron मतलब जो बुद्धू होता है मोरनाइजेशन ऑफ द मासिस जो मासिस है उनको मोरन बना दिया गया है जितना ज्यादा आप मोरान हो गए उतना ज्यादा उनके कंट्रोल में हो गए उतना उनको फायदा है वो आपको चला सकते हैं जितना ज़्यादा वो आपको चला सकें उतनी ज़्यादा उनकी पावर होगी उनके लिए अच्छा है तो जितना भी लोगों को दमा उनके दिमाग को कम करो ताकि वो सोच ना सकें उनको पढ़ पढ़ने लिखने में कोई फायदा ना हो कोई शौक ना हो अब देखिए अब ये अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है अब पहले हर, हमारे जमाने में लायक बनने के लिए नॉलेजेबल बनने के लिए लोग कई हफ्ते महीने हमारे पुराने जमाने में तो कई साल वो मेहनत करते थे मेडिटेशन uh, you know, करते थे तपस्या करते थे सिखाई सिखाते थे, थे फिर धीरे धीरे हो गया कि चलो एक सेमेस्टर में कुछ सीख जाएंगे तो डिग्री मिल जाएगी डिप्लोमा मिल जाएगा अब और कम होता जा रहा है अब जब 20 साल पहले मैंने शुरू किया तो लेक्चर होता था तीन घंटे का लोग बैठ के सुनते थे देखते थे अब कुछ देर पहले उन्होंने कहा भी 45 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए अब आप अब ये जमाना आ गया कि 20 मिनट से ज़्यादा कोई बोलेगा तो उसकी बात सुनेगी नहीं और 30 सेकंड का टिकटॉक में बहुत कुछ आप सुख सीख सकते हो बहुत चूज देख सकते हो इसका ये हुआ नतीजा कि जो अटेंशन है जो हमको भगवान ने दिमाग दिया है वो हमको हम डेवलप नहीं कर रहे कॉन्सेंट्रेशन और मेमरी हम डिवेलप नहीं कर रहे वो कम करती आ रही हमको मेमरी की क्या जरूरत गूगल हमको बता देगा क्या हमको जो मालूम है जो कुछ चाहिए गूगल बता देगा मतलब अब आजकल गूगल देवता का राज है गूगल देवता को पूछे गूगल देवता अब बताए आपकी क्या सलाह है तो जो कहेगा वो ठीक ही होगा तो मतलब हमको सीखने की जरूरत नहीं हमको क्या फायदा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्या फायदा हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या फायदा गूगल को पूछ लेंगे वो बता देगा जो कुछ भी चाहिए जब भी चाहिए गूगल बता देगा तो इसलिए मतलब हमारा दिमाग की तो जरूरत है ही नहीं हिंदू जो ह्यूमन बींग का दिमाग है वो कम होता जा रहा है और जो मशीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग है वो बढ़ता जा रहा है मशीन्स बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट पीपल बिकमिंग मोर स्टूपिड स्टूपेड और मशीनों के ऊपर भरोसा किसी और के ऊपर भरोसा अपने ऊपर नहीं अब हमारे ऋषियों ने तो यह कहा है हमारी संस्कृति में धर्म में तो ये लिखा है कि जो सच्चाई है अंदर से पैदा करनी है अंदर से पहचाननी है अंदर पहले ही है पहचाननी है और उसको जागृत करने अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना एक्सपेंड करने ये नहीं कि उसको कम करने क्योंकि मशीन मेरा काम कर देगी ठीक है ना तो इसको एट्रोफी कहते हैं एट्रोफी मतलब जो जो इंसान एक्सरसाइज ना करे पैदल ना चले कि उसके लिए गाड़ी है मशीन है सारा काम मशीन करती रहती है तो उसकी जो मसल्स है ना वो एट्रोफी हो जाती है वो कुछ देर के बाद वो काम करना छोड़ देती है काम करना वो चलती भी नहीं इसी तरह से मेंटल फैकल्टी की अब एट्रोफी हो रही है एक तो डिपेंडेंस ऑन मशीन्स एंड एल्गोरिथम और सोशल मीडिया कि वो दिमाग वो सोचेगी उसके पास नॉलेज है हमको पढ़ाई लगेगी की जरूरत भी नहीं दूसरा उससे अडिक्टिव बिहेवियर उससे हम मजा करेंगे पोर्नोग्राफिक लोग देखते रहते हैं हम एंटरटेनमेंट देखेंगे गेम्स में देखेंगे तो ये एक तो नशा है जिसमें हमारे को मौज कराने के लिए हाँ जिसको हमारे को मौज कराने के लिए खुशी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए मनोरंजन के लिए वो, वो ही हमारा मालिक है और जो कुछ वो कहते हैं हम उसको सच मानते हैं तो ये ऐसी सोसाइटी खत्म हो जाएगी ऐसी सोसाइटी गुलाम बन जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन शॉर्ट यस एंड दोज हु कंट्रोल एंड दोज हु कंट्रोल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर कंट्रोलिंग दीज ह्यूमन बीइंग्स विद लेस इंटेलिजेंस इनडायरेक्टली थ्रू द सोशल मीडिया थ्रू द एल्गोरिथम्स थ्रू ऑल द मशीन्स एवरीथिंग every the world is going on autopilot with artificial intelligence running the base running the world more and more and this uh, artificial intelligence is controlled by a few small number of very powerful people and through this artificial intelligence giant machinery they are controlling the world so in short they are creating uh, i use zombie use because that's that's we we, i use the term morons moron <laughs> moron, moron.

गॉगल्स निकाल रहे हैं नई तरह की गॉगल्स निकाल रहे हैं ये नए नए तरह के एडिक्टिव गेम्स शोज निकाल रहे हैं ताकि इंसान खुश ही रहे ऐसे और वो अपनी अकल ना चलाए अपनी अकल ना चलाए उसको बता दें यहाँ तू यहाँ वोट कर यहाँ जाके राइट कर ले यहाँ जाके ये यह कर ले यहाँ वो कर ले तो वो खुश रहेगा दिस इज नॉट अ वेरी गुड ये ये जागृति नहीं है दिस इज नॉट वॉट द योगिक रेवोल्यूशन इज सपोज टू डू योगा का रेवोल्यूशन है कि अपने आप में ज्यादा होना चाहिए हमारी अपने आप में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए किसी और के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए योगा जो करता है जो मेडिटेशन करता है ही बिकॉज़ मोर सेल्फ सफिशिएंट इन हिज सेल्फ ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड करवा रहा है जी सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ दिस टॉक जो आई मीन इंडिया विल बी थिएटर For two powerful artificial intelligence controlling uh, countries, China on one side and India, uh, US on the other side. Yes. So especially ye ज़्यादा strong hoga towards the 2024 elections. ji sir. ye ये बिल्कुल बात ठीक है. और इसमें देखिए, अब मैं I'm happy to note कि मैं पांच-छह साल से criticize कर रहा हूँ और ये government वाला ने कुछ नहीं किया. अभी अभी उन्होंने announce किया है कि वो एक भारत GPT बना रहे हैं. India is going to make भारत GPT. I'm very happy. बहुत लेट है दस साल पुराना अभी शुरू करेंगे तो अभी कुछ साल तो लग जाएंगे बनाने में लेकिन शुरू तो कर रहे हैं ना इट्स अ वेरी गुड आइडिया आई कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट फॉर डूइंग समथिंग राइट आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट कि सेमी कंडक्टर में काफी डाल रहे हैं इससे थोड़ी हमको हमको अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंस मिलेगी बट इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ इन क्वांटम कंप्यूटिंग कई चीजें हैं जिसमें इंडिया ने करी जा रहा करना चाहिए तो इसमें फर्स्ट स्टेप है पॉलिसी मेकर को थोड़ा सा सुनना चाहिए कि क्या हो रहा है के तुमको कुछ नहीं आता तुम बकवास हो हम ही सब जानते थिंक अब ये जो इलेक्शन है इलेक्शन में इंडिया अब इंडिया कहे कि हम सारा सोशल मीडिया बंद कर, कर देंगे ताकि बाहर से फॉरन कंट्री से इंफ्लुएंस ना आए सपोज इंडिया कहे तो बहुत प्रोटेस्ट होगा कि आपने फ्री स्पीच के ऊपर दबा दिया है इसीलिए ताकि इंडिया ये ना कर पाए इसीलिए बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं कि इंडिया में फ्री स्पीच है नहीं डेमोक्रेसी है नहीं Uh, और जो जो ये बिके हुए हैं जर्नलिस्ट कई हैं जर्नलिस्ट जो बिके हुए हैं अब जो वायर है इस तरह के कैरावैन है इस तरह के जो मीडिया है ये बिके हुए हैं और इनको टाइम्स नाउ इस तरह के बिके बिके हुए हैं बड़े पॉलिश हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है वो सारे वक़्त इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस ये वो जाते रहते हैं और उनके बहुत कॉन्टेक्ट हैं तो वो वो गड़बड़ कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं कि वो ये शैतानी करना चाहते हैं उनको आप रोकोगे तो सारे इंटरनेशनल वाले लोग आपके पीछे आएंगे कि आपके पास ह्यूमन राइट्स नहीं रहे आप सोशल जस्टिस नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है डेमोक्रेसी नहीं है ये सब वेपन्स उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं बस आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए हम चलाने के लिए तैयार हैं द गन इज लोडेड यू जस्ट नीड टू फायर वेरी गुड आई एम सो हैप्पी देखिए गायत्री जी आपने पिछली बार भी वेरी हैप्पी विद डिस्कशन जो हमारा हुआ था एंड uh, uh, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से यू पुल आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट आई इट एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रहेगा सर लास्ट क्वेश्चन बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है uh, अगर आपने नोट किया हो तो ट्रम्प का एक डीप फेक वाला बड़ा वीडियो आया था अब ये इलेक्शन हो रहे हैं ब्रिटेन में भी हो रहे हैं होने वाले हैं अब ये, ये अब देखिए ब्रिटेन भी जा रहे हैं जैसे फ्रांस में तो हो रहा है ना लोगों को मालूम हो गया बी वर्स ब्रिटेन ये ये जब ये जब हम वोकिज्म की बात करेंगे उसमें भी ये डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे ये वोकिज्म का खेल है सारा कुछ अब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा ये जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से आइडियोलॉजिकल ये मेनिपुलेशन होती है डीप फेक्स होती है गलत न्यूज होती है अलग अलग न्यूज होती है क्या क्या होता है ये अब बढ़ेगा अब ये नेक्स्ट ईयर में ये ये चीजें ज्यादा बढ़ेंगी और लोगों को मालूम नहीं होगा कहाँ से आया है वो लोग कहेंगे अच्छा यहाँ कुछ हुआ तो इसको बंद कर दो इसको बंद कर दो लेकिन कहाँ से शुरू हुआ है वो लोगों को पहचानना चाहिए और वो हमारे गवर्नमेंट में ताक़त नहीं है कि उनको जाके बोल सकें और उनको बैन कर सकें क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनसे भी डरती है

उसका नाम ये ऑफ या राजीव मल्होत्रा डॉट और मेरा ट्विटर का चैनल है एट राजीव मैसेज एट राजीव मैसेज तो उससे आप जुड़ सकते हैं जहां भी मैं जाता हूं मैं, हम वहां अनाउंस करते हैं ट्विटर में एट राजीव मैसेज कि कहाँ जा रहा हूँ मैं सितंबर में इंडिया आ रहा हूँ और जो भी मेरा प्रोग्राम होगा वो वहीं अनाउंस होगा जी इसमें सर के थ्री बुक्स के लिंक्स सर का ट्विटर और सर का यूट्यूब हैंडल मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनफैक्ट पिन कमेंट्स में सो दैट पीपल कैन इजिली क्लिक एंड कनेक्ट विद सर जाने से पहले uh, फिर से रिक्वेस्ट है डोट फॉर गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू वांट टू सपोर्ट आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव थैंक यू सर